पद्मश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य की तारीख में हुआ बदलाव, 25 नवंबर के स्थान पर 2 दिसंबर से शुरू होगी खरीदी। बैहर तहसील की गड़ी में सड़क पर भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता, 10 पर मामला दर्ज। पति पर गरम गरम तेल डालने वाली पत्नी पहुंची जेल, हत्या करने के प्रयास का लगा आरोप। 2 साल में सरपंचों से वसूल किए गए 64 लाख रुपए की राशि, 1 सैकड़ा सरपंचों पर कार्यवाही लंबित। पुरानी पेंशन लागू करवाने सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी, महासंघ का हुआ गठन। लालबर्रा में आयोजित किया गया जिला स्तरीय प्रतिभावान लोधी सम्मान समारोह। 12 सिवनी में मनाई गई भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, युवक की मौत, सावरगांव के पास हुई घटना। और 5वीं और 8वीं बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आदेश का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन की तारीख 25 नवंबर से बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दी गई है। अब किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले के 165 खरीदी केंद्रों में 2 दिसंबर से अपनी धान लेकर जाना होगा। बीते दिनों ही पद्मेश न्यूज के माध्यम से धान खरीदी पर मंथन खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें सभी तरह की परेशानियों को और तैयारियों का बारीकी से विश्लेषण कर दिखाया गया था। इस दौरान एक बात मुख्य रूप से सामने आई थी कि परिवहन के टेंडर और सड़क किनारे स्थित धान खरीदी केंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था न होना। आपको बता दें कि इन दिनों जिले भर में धान की मिसाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसके पीछे बड़ी वजह किसानों की कृषि पंप बिजली बिल सहित अन्य देनदारी को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब 2 दिसंबर से धान खरीदी की तारीख बढ़ने के कारण किसानों को अपनी उपज 7 दिनों तक बेचने के लिए इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन सहित किसानों की ओर से यह मांग आई है कि जिस तरह से 7 दिन धान खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है, उसी तरह अंतिम तारीख में भी शासन को परिवर्तन अब से ही कर देना चाहिए, जिससे धान खरीदी के लिए शासन के पास और बिक्री के लिए किसानों के पास पर्याप्त समय मिल सके। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत मीरकपुर निवासी संदीप पिता ज्ञान प्रकाश गजबीए उम्र 26 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को संदीप मोटरसाइकिल से सावर गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। घटना इतनी भयावह थी कि घटनास्थल पर ही संदीप की मौत हो गई। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 व 92 एवं शिकायत के तहत लंबित प्रकरणों और निराकरण में 3 सैकड़ा से अधिक सरपंचों से 64,61,091 रुपए की राशि महज 2 वर्षों में वसूल की गई। वहीं महज 8 महीने के भीतर 13,49,613 रुपए वसूल किया गया है। जिला पंचायत प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश सरपंचों से वसूल की गई राशि भ्रष्टाचार वसूली न होकर योजनाओं के लिए गई दी गई राशि की बचत या फिर कुछ एक के द्वारा पर्याप्त राशि के अभाव में काम शुरू नहीं करवाने के कारण वसूली की तहत वापस की गई है। आपको बता दें कि 2 साल के भीतर 9 सरपंचों पर धारा 40 के तहत कार्रवाई की गई है, शेष 7 सरपंचों पर कार्रवाई होना लंबित है। वहीं 2 सरपंचों पर यह कार्रवाई निरस्त की गई है। पंचायत चुनाव के पूर्व सभी सरपंच अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने में लगे हुए हैं, जिन कारण महज 8 महीने के भीतर लगभग 1 सैकड़ा से अधिक सरपंचों ने 13 लाख रुपया शासन के खाते में जमा करवा दिया है। जिला पंचायत से मिल रही जानकारी के अनुसार वसूली के आंकड़ों में आगामी दिनों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए सरपंच तेजी से प्रयास कर रहे हैं। पंचायत के बहाने ही सही, लेकिन शासन के द्वारा बांटी गई राशि शासन के खाते में वापस आ रही है, जिससे दूसरे विकास कार्य के रास्ते खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायतों में हड़कंप तो है, लेकिन इस कदम को कहीं ना कहीं सरपंचों पर होने वाली बड़ी कार्रवाई को रोकने में बड़ा मददगार माना जा रहा है।
बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों की नींव को मजबूत करने के लिए पुनः पांचवी और आठवीं कक्षाओं को बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा का आदेश जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इस आदेश की कॉपी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षाविदों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार पांचवी और आठवीं बोर्ड स्कूल परीक्षा के लिए प्रशासन ने मापदंड के अनुसार पांचवी की परीक्षा केंद्र माध्यमिक विद्यालय और आठवीं का परीक्षा केंद्र नजदीकी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में होगा। परीक्षा केंद्रों की नियुक्ति वरिष्ठ स्कूलों से की जाएगी, पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और अन्य स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से परीक्षा संचालित की जाएगी। यही नहीं, पांचवी की काफी उत्तर पुस्तिका ब्लॉक के बाहर और आठवीं की उत्तर पुस्तिका जिले के बाहर जांच के लिए जाएगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षा के 80% से कम परिणाम देने वाले संबंधित शिक्षकों को प्रधान पाठकों को प्रभारी प्रधान पाठकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई या टर्मिनेशन भी किया जा सकता है। शासन के आदेश के बाद पूरे शिक्षा विभाग माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की रातों की नींद खराब हो चुकी है। इसके पीछे बड़ी वजह अब तक पांचवी और आठवीं तक मिलने वाले जनरल प्रमोशन को बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार अब तक नौवीं कक्षाओं में पहली से लेकर आठवीं तक का ब्रिज कोर्स कराया जाता था। इस वर्ष भी यह कोर्स चलाया गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि नौवीं में पढ़ने वाले 80% छात्रों को गणित के सवाल हल करते ही नहीं बन रहे, अंग्रेजी के पाठ तो दूर, अच्छे से हिंदी पढ़ना भी नहीं आ रहा है। ऐसे में पांचवी और आठवीं बोर्ड के ऐलान के बाद शिक्षकों की मनस्थिति समझी जा सकती है। देखना अब यह है कि इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग शासकीय स्कूलों से दूर होते पालकों और छात्रों को कितना अधिक अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट। आदिवासी बिंजवार समाज द्वारा 1 दिसंबर को स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रविवार को एक बैठक आहूत की गई। समाज के जिला अध्यक्ष संतलाल सहारे ने बताया कि 1 दिसंबर को स्नेह सम्मेलन आयोजित करने के पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कार्यक्रम में युवक युवती परिचय सम्मेलन, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले समाज के युवाओं का सम्मान, शासकीय सेवा में नौकरी करने वाले युवाओं का सम्मान, वृद्धजनों का सम्मान सहित विविध शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। यह बैठक हमारे आदिवासी बिंजवार समाज का स्नेह सम्मेलन दिनांक 1 दिसंबर को आयोजित किया गया। उस संबंध में रूपरेखा तैयार करने ये बैठक आयोजित की गई है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे इस कार्यक्रम में? हमारे समाज द्वारा जिले के मंत्रीगण और विधायकगणों को आमंत्रित किया है। समाज का ये द्वितीय सम्मेलन, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रथम है युवक युवती का परिचय, बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्राओं का सम्मान, नए जो हमारे समाज की नौकरी में आए उनका सम्मान और वृद्धजनों का सम्मान। इस प्रकार का हमने मिला जुला कार्यक्रम रखा है। वन कर्मचारी संघ अब मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगा। रविवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय कर्मचारियों ने लिया। वन कर्मचारियों ने सीधा सीधा अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध अस्थायी कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। इस कारण कर्मचारी बहुत अधिक प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए वन कर्मचारियों की लड़ाई को आगे तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले अब आगे आंदोलन करेंगे। वन विभाग में वन कर्मचारियों का स्थायी कर्मी का भारी शोषण किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या रणनीति बनाई जा रही है उसके लिए? हम रूपरेखा बना रहे हैं, इनको पहले ज्ञापन देंगे, मिलेंगे और नहीं करते हैं तो फिर बाद में आंदोलन करेंगे। कितने श्रमिक लोग हैं यहाँ पर? वैसे तो जिले भर में हैं टोटल जैसे 200 अनुसूचित श्रमिक हैं और कुछ स्थायी कर्मचारी परेशान हैं। अच्छा, मतलब कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे इनसे जो कार लेना है उसके अलावा उनको बंधुआ मजदूर की तरह कार लिया जा रहा है इनसे, जो आज तक नहीं किए। और कैसे काम दिए जाते हैं इनसे? इनसे तो अभी तो क्या हुआ है, जो लगे हैं इनसे घास छिलवाया जा रहा है, ये के प्लांट, जबकि उसके अलग से बजट आता है। अच्छा, इनका तो मेन काम क्या है इनका? इनका मेन काम वनों की देखरेख सुरक्षा करना, वनों वन प्राणियों की देखरेख सुरक्षा करना है। बाकी इनको वो ना करवा कर दूसरा करवा रहे हैं, दूसरा काम करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि हर इसका अलग अलग बजट आता है। रणनीति बना रहे थे हम लोग कि पहले ही अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दिया जाए, चर्चा किया जाए, यदि निराकरण नहीं होता है तो आगे फिर अपन
आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में सर्वसहमति से आगामी 8 दिसंबर को लालबर्रा के गढ़वाल मंगल भवन में हो रहे परिचय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पूर्व योजना तैयार की गई। परिचय सम्मेलन के पूर्व बालाघाट नगर व लालबर्रा में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर सविस्तार चर्चा की गई। वहीं समस्त पदाधिकारियों द्वारा जिले भर के साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई। लेडीज क्लब इंटरव्यूल क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का गठन 70 मेंबर्स के साथ हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जागृति जोशी द्वारा इनरव्हील क्लब की प्रथम प्रेसिडेंट रश्मि बिसेन और सचिव आकांक्षा पांडे को शपथ दिलाई गई। साथ ही कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गुरमीत त्रिवेदी, आईएसओ रिया पसरिचा सहित सभी महिला सदस्य उपस्थित रहीं। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के तहत होल्ड पर रखे 3 मंडलों के अध्यक्ष की घोषणा आज कर दी गई है, जिसमें कटंगी से मुकेश राहंगडाले, वारासिवनी से दीप चौहान और बैहर से विजय कटियार को अध्यक्ष बनाया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी अभय चौधरी के द्वारा मंडल निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 3 मंडलों के अध्यक्ष की आज घोषणा कर दी गई है। वहीं अब जिला प्रतिनिधि चुने जाएंगे जिनके नाम चले गए हैं और यह प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। लालबर्रा श्री सत्य साई सेवा समिति लालबर्रा द्वारा भगवान सत्य साई बाबा के 94वां जन्मोत्सव सप्ताह के अंतिम दिन 23 नवंबर को ओमकारम सुप्रभातम एवं नगर संकीर्तन निकाला गया। हाई स्कूल मैदान में शाम 6 बजे से हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों द्वारा रात्रि 8 बजे से हैप्पी बर्थडे साईं बाबा गीत के साथ केक काटकर भगवान बाबा का जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद बाल विकास के नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित नाटक व नृत्य वाटिका सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और कन्या भगवान श्री सत्य साई बाबा का 94वां जन्मोत्सव आज लालबर्रा में नहीं पूरे विश्व में एक साथ मनाया जा रहा है और ये पूरे सप्ताह के रूप में मनाते हैं हम इसको। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक पूरे सप्ताह के रूप में भगवान का जन्मोत्सव होता है और आज 23 नवंबर को जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाल विकास के बच्चे हैं सत्य साई आयोजन के माध्यम से बच्चों को एक बाल विकास चलाया जाता है, इसमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार को बीज दिया जाता है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में 24 नवंबर को जिला स्तरीय लोधी प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश जीएसटी एडिशनल कमिश्नर आईआरएस लोकेश लिल्हारे के मुख्य आतिथ्य, अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय बरैया लोधी की अध्यक्षता एवं अन्य पदाधिकारी की आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों के हस्ते लोधी समाज के 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले कक्षा 10वीं व 12वीं के 1% से अधिक छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही विगत 1 वर्ष में नवनियुक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर, राष्ट्रीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मैंने अगर उसका सपोर्ट नहीं किया तो मेरे को गाली देगा और यदि मैंने उसका सपोर्ट कर दिया तो उसके दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो मुझे गाली देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, मेरे विरोधी बन जाएंगे। लेकिन यदि लालबर्रा का इस घर का आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है, इस घर का आदमी बीएससी की तैयारी कर रहा है, इस घर का आदमी एसआई की तैयारी कर रहा है, इस घर का आदमी एसडीओ की तैयारी कर रहा है, इस घर का आदमी सिपाही की तैयारी कर रहा है, मैं अगर सबको सपोर्ट करता हूँ। ये लाइन जाएगा और मन को बुला लड़ने का सम्मान है।
सचिव जी ने आपको कितना वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी स्थित कलार मंगल भवन में प्रगतिशील कलार समाज के तत्वाधान में 24 नवंबर को भगवान श्री सहस्त्रबाहु जयंती महोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, सिवनी विधायक दिनेश मुनमुन राय की अध्यक्षता, कल्चरी एकता महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दीपक जायसवाल, गाडरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष अनीता रविशेखर जायसवाल, बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, वारासिवनी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष स्मिता प्रदीप जायसवाल विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती महोत्सव एवं मिलन समारोह कार्यक्रम में रंगोली मेहंदी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों ने मनमोहक रंगोलियों के लिए मेहंदी सजाई और नृत्यों की प्रस्तुति दी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी अतिथियों के हस्ते किया गया। साथ ही वर्ष 2019 में समाज के बच्चों के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में अपने लगन और मेहनत से जिस किसी छात्र छात्रा द्वारा 80% से अधिक अंक प्राप्त किए गए, ऐसे विद्यार्थियों का समाज की ओर से अतिथियों के हस्ते सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम अध्यक्ष दिनेश मोहन राय जी, श्रीमती अनिता जायसवाल जी, दीपक जायसवाल, श्रीमती स्मिता प्रदीप जायसवाल, मैं भाभी जी का श्री अनुराग जायसवाल बालाघाट से पहुंच ही पाए, कुछ लोग वही पहुंच रहे हैं, श्री फिकल हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंदकेत पखेड़ के साथ अभी यहाँ जो बात चल रही थी निर्दलीय की मुनमुन भैया ने शुरुआत की, निर्दलीय विधायक बना और जो हौसला आया, मैं कड़वा सच बोलता हूँ, मैं नगर पालिका अध्यक्ष अगर बना हूं तो गुड्डा भैया से प्रेरणा लेके पहले बार में, उस समय गुड्डा भैया यहाँ पर अध्यक्ष थे, विधायक बने, उस समय मुझे भी लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, तो वहां से मैं शुरू हुआ। निर्दलीय तो पहली बार लड़ा, कोई पार्टी मेरे को टिकट देने को तैयार नहीं, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं। दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो दोनों पार्टी पूछे भैया टिकट लोगे क्या, तो मैंने कहा भैया जनता बोल रही निर्दलीय लड़ लो, तो निर्दलीय जीता और अब तीसरी बार में दोनों पार्टी टिकट लेके आ ही गई दरवाजे तक। सत्य बात है, इसमें कहीं छुपी नहीं है, अब जिसने मुझे पहले झेल लिया मैं उस टिकट से जीत गया। तो और मैं कहना चाहूंगा, हमारी भाभी जी अभी बता रही थी कि हमारे पीछे हमारे पति जो हमारे भैया किसी का आशीर्वाद है, और आपने बड़ी चाहे छोटा गाँव हो, चाहे शहर हो, छिंदवाड़ा हो, बॉम्बे, दिल्ली, छिंदवाड़ा, जहां भी हो, सीहोर, भैंस देवी, बैतूल, अभी उमरिया गया था, और सभी जगह जहां जहां मंदिर पहले भी गया, रवि भी गया, मैंने ये देखा कि आप पहले की तुलना में हमारे समाज के लोग संगठित हुए हैं और उनमें प्रेरणा आई है कि हमको अब हम कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। पहले ये होता था कि कला समाज मतलब शराब का था, लेकिन आप उस बंधन को समाप्त करके आज हर व्यक्ति चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, और इस दिशा में ये जागरूकता अगर हमारे माँ बाप में आ गई या हमारे घर की महिलाओं में आ गई तो ये सबसे बड़ी सफलता हमारे समाज की होगी। बैहर तहसील के वनांचल क्षेत्र गढ़ी में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता रविवार की दोपहर भरे बाजार में आपस में भिड़ गए। पुलिस द्वारा दोनों पक्ष के 10 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता अमित उर्फ आशु मिश्रा और कांग्रेसी कार्यकर्ता रंजीत सिंह बैस और उनके साथियों के बीच अचानक हाथापाई शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक रंजीत सिंह बैस यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी हैं और वहीं अमित मिश्रा बीते दिनों भाजपा मंडल अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे। इन दोनों के बीच बीते कई दिनों से आपसी विवाद चल रहा था। इसकी बड़ी वजह गढ़ी क्षेत्र में अवैध उत्खनन से जोड़कर बताई जा रही है। रविवार को उपजे विवाद का मुख्य कारण शनिवार को भी इन दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घूंसे चलने की जानकारी मिल रही है। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं विवाद रविवार को एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में सरे बाजार भिड़ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, नहीं तो गढ़ी में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पक्ष द्वारा बीते कई दिनों से आपसी रंजिश के चलते हाथापाई और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो रविवार को सबके सामने आ गया। पति की हत्या करने के प्रयास के आरोप में कोतवाली पुलिस ने खुशी पति राजा जुड़वानी उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा जुड़वानी ने 5 वर्ष पहले खुशी यादव से प्रेम विवाह किया था, जिनके बीच कई बार घरेलू विवाद होते रहता था। 16 नवंबर की रात्रि को दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ, जिसकी वजह से 17 नवंबर को सुबह खुशी ने अपने पति राजा पर गर्म तेल डाल दिया, जिससे राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा जांच के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। शहर के पुराने राम मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अघन मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 17 नवंबर से 24 नवंबर तक किया गया। इस दौरान पुराना राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र द्वारा रोजाना विभिन्न प्रसंगों के आधार पर कथा का वाचन किया गया। ये निष्काम योग मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य भगवान ने मन से कहा, मनु ने एक शौक से कहा, इस परंपरा से राजस्वों ने जाना मारा। हे अर्जुन, यह योग कुछ काल से बहुत समय से नष्ट हो गया था। पुरातन योग मैं तुमसे कह रहा हूं, तो अर्जुन ने कहा आपका जन्म महाराज अभी हुआ है, फिर आपने सूर्य से कैसे कहा? भगवान बोले अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं, उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अगहन मास में हम हर वर्ष इस आयोजन को करते हैं, भागवत की कथा को। ये 17 नवंबर से प्रारंभ हुई है और आज 24 नवंबर को इसकी समाप्ति है। इसमें प्रथम दिन जो है सुखदेव जी के जन्म की चर्चा हुई, दूसरे दिन ध्रुव जी का चरित्र हुआ, तीसरे दिन जो है जड़ भरत तक की कथा हुई, चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, पांचवें दिन रुक्मणी विवाह का कार्यक्रम हुआ, छठवें दिन सुदामा तीर्थ की कथा हुई, सातवें दिन जो कल था परीक्षित मोक्ष का प्रसंग हुआ, और आज आठवां दिवस है, आज गीता पर चर्चा हो रही है, श्रीमद् भगवद गीता पर, और हवन पूजन और इस आयोजन की पूर्णाहुति होने जा रही है। और इसके पश्चात फिर से अगहन के महीने में ये 27 नवंबर से पुनः इसी व्यासपीठ पर फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सप्तदिवसीय हो रही है, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगी, 4 दिसंबर को उसकी समाप्ति होगी। जिला आदिवासी विकास परिषद द्वारा रविवार को रानी दुर्गावती भवन में बैठक आहूत की गई। इस दौरान विभिन्न निर्णय लिए गए। आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने बताया कि समाज के सभी संगठनों ने मिलकर हुंकार रैली का आयोजन किया है, जिसके सार्थक परिणाम आए। ऐसे ही समाज के उत्थान के लिए सभी संगठन मिलकर एक साथ कोर कमेटी बनाएं और एक साथ काम करें, जिससे समाज का उत्थान हो सकेगा। आज की बैठक एक सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए और जो प्रदेश में हुंकार रैली जिले में और प्रदेश में हुई थी उसके संबंधित एक बैठक रखी थी। क्या है ये हुंकार रैली? हुंकार रैली ये है कि संवैधानिक अधिकारों को 70 साल हो गए हमारे आज़ादी को, और आज तक हमें ना तो हमारे संविधान में दिए राइट्स को का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और न ही जो राइट्स दिए हैं उनका अनुपालन हो रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये हुंकार रैली आयोजित की थी।
जिसकी सफलता के स्वरूप हमें जैसे वन अधिकार अधिनियम 1927 संशोधन को का जो मसौदा तैयार हुआ था जिसे लागू होना था वो रद्द कर दिया गया। तो इतना अच्छा परिणाम जो आया है इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि जिस प्रकार से सारे संगठनों के साझा मंच से ये लड़ाई लड़ी गई थी इसी प्रकार एक ज़िले में कोर कमेटी का गठन हो और यहाँ सभी संगठनों का उसमें सहयोग, जिससे कि किसी का एक व्यक्तित्व का अधिकार ना हो या किसी संगठन का एक अधिकार ना हो, एक अधिकार को नकारते हुए हमने सामूहिक रूप से एक कोर कमेटी का गठन के लिए निर्णय लिया है जिस पर चर्चा होनी थी आज, लेकिन विभिन्न संगठनों के लोगों ना आने के कारण इसकी डेट हमने पोस्टपोन कर दी। कब तारीख में होगी चर्चा? अगली 8 तारीख को फिर से रखी जाएगी इसकी बैठक। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया व बम्हनी की सीमा में समनापुर मार्ग पर स्थित वेन गंगा नदी के पोटिया पाट घाट में कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिवसीय ब्लॉक और तहसील का सबसे बड़ा दिन का मेला जारी है। इस मेले में विकास खंड के अलावा अन्य दूर दराज के ग्रामों के लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर माँ गंगा मैया एवं बाबा पोटिया देव की पूजा अर्चना कर मेले का आनंद ले रहे हैं। प्लास्टिक जो है उसे जलाते हैं या दफन करते हैं, गंदगी ना छोड़े। ये हम मेला तो मेरा अंदाज है कि कम से कम इन्हें संभालो हमारे पिताजी और हमारे इन्हें संभालो राजा अपन आ जाए, इन्हें कोई नहीं जानता इन्हें संभालो, उस समय से लग रहा है। मेरा अनुमान है कि हजारों वर्ष पुराना या न समझो कई हजारों वर्ष पुराना यह मेला चल रहा है। 15 दिन के लिए कार्तिक पूर्णिमा के समय में 15 दिन के लिए यह मेला यहाँ मतलब इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो रहा है या जैसा लगता था वैसे ही चला आ रहा है? ऐसा परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पहले अब यह न समझो जिस प्रकार से यानी शिक्षा का अभाव कहा जाए या जो भी कुछ कहो, तो समय में न समझो लोग आते थे अपने न समझो बैलगाड़ी से, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है। नहीं तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्या करते हैं लोग, किस लिए आते हैं यहाँ पे? यहाँ एक छोटा पाट बाबा की मानता तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि आज के हजारों साल पहले से यहाँ पर जो छोटा पाट बाबा है उसके नीचे एक शिवलिंग की प्रतिमा है, उसने अपने दर्शन एक बार बाढ़ में यहाँ पर लोगों को प्रदान की थी। जो केवट लोग मल्लाह लोग नाव यहाँ पर चलाते थे वो मूर्ति ऊपर लेके आए थे, रात भर मूर्ति पुनः वापस जाके वहाँ स्थापित हो गई। उसके पश्चात मैं मंडला में था सर्विस में, मुझे यहाँ वहाँ स्वप्न आया कि मुझे आप ऊपर स्थापित करो। मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ आकर शिवयज्ञ कराया और ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, उन्हीं की प्रेरणा से मंदिर बना। जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो मंदिर के चारों कालम में नांग लपट गए और यहाँ शंख ध्वनि की आवाज़ आने लगी। जो बनाने वाले थे भाग गए, उन्हें पुर लेके आया, फिर मैंने पूजा पाठ की, दरल फोड़ा, प्रार्थना की, तब मंदिर बड़े मुश्किल से बना। जब शिवलिंग नाने हम जबलपुर गए, आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वरूपानंद सरस्वती ने हमको शिवलिंग प्रदान किया था, वो शिवलिंग जैसी गाड़ी में रहे गाड़ी जल गई। इसका संचालन आज तक तो गंगा मैया और पोटिया पाट दोनों जिम्मेदार थे, परंतु अब हम मानव होने के नाते हमको जागरूकता आई है तो हमारे मन में विचार चल रहे हैं तरह तरह के कि यहाँ पर साफ सफाई रहना चाहिए और दुकानदारों के लिए व्यवस्था होना चाहिए, उनकी लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए पंडल की व्यवस्था होना चाहिए और जो हमारे यहाँ मेला करने वाले जो आते भी जाए उनके लिए व्यवस्थित जगह बना के रखें हम। ऐसा आने वाले समय में हम करेंगे और 2020 में जो मेला आएगा 15 दिवसीय उसको हम रात दिन का मेला करेंगे। ऐसी योजना है, योजना बन चुकी है जी। और यहाँ पर निर्माण कार्य में कौन कौन गांव के लोग रहेंगे? इसमें ददिया बम्हनी के रहेंगे और प्रयास ये है कि 77 पंचायत के लोगों को रखने का प्रयास करेंगे उसमें, इस ट्रस्ट में। अच्छा। गंजई से चालू होता है और तुम्हारे क्या बोलते हैं
गर्रा में जाके समापन होता है। तो 77 पंचायत को लेना है और 77 पंचायत से हमको अभी यहाँ किस किस एरिया के लोग आए हैं, जैसे आते हैं अभी यहाँ तो पूरे अपने 77 पंचायत के लोग आए हुए हैं सब यहाँ छोटे अपार्टमेंट। हाँ, हर गांव का गाड़ा आया हुआ है। तो ये कब तक चलेगा मेला? ये अभी ये मेला और बुधवार तक चलेगा। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 12-13 तारीख से चालू हुआ है, कंटिन्यूस 15 दिन का मेला रहता है। अभी तक ये दिन का ही मेला था। समापन में कुछ होता है आयोजन वगैरह? कुछ समापन में बस वही गाँव के लोग जो अपने जो सदस्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन बंद कर एनपीएस के माध्यम से राशि काटना और उसे सेवानिवृत्ति के बाद पैसे लौटाने की नीति को कर्मचारियों ने न्याय संगत नहीं होने की बात करते हुए उसे कर्मचारी विरोधी बताया। रविवार को बाकायदा कर्मचारी एकजुट हुए और एनपीएस महासंघ का गठन किया, जिसके माध्यम से वे समय समय पर पुरानी पेंशन लागू करने और एनपीएस उसको हटाने के लिए आंदोलित और आगे की कार्यवाही करते रहेंगे। महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवशंकर भगत ने बताया कि शासन द्वारा 2005 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई और नई पेंशन नीति लागू कर दी गई, जिसमें कर्मचारियों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। पुरानी पेंशन नीति बहुत अच्छी है, उसमें कर्मचारियों का फायदा है, लेकिन शासन के द्वारा 2005 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जो नई पेंशन नीति जारी की गई, उसमें रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद संबंधित कर्मचारियों का बहुत सा नुकसान है, और उस नुकसान को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है, और संगठन के माध्यम से सरकार के सामने बात रखी जाएगी। सरकार अगर मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े, इसके लिए संगठन पीछे नहीं रहेगा। एनपीएस और पुरानी पेंशन की बात निकली तो दूर तक चली गई, तो फिर क्या था, कर्मचारी रुके ना, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और वह अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां करते गए। कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की बताते हैं कि नई पेंशन की तुलना पुरानी पेंशन से की जाए तो नई पेंशन बहुत कम है, जिसे कर्मचारी या उसके परिजन जीवन यापन भी नहीं कर सकते। इस बात से कर्मचारी बहुत अधिक भयभीत और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नई पेंशन नीति में नुकसानदायक यह है कि जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे जो पेंशन स्वरूप जो शासन से राशि मिलती है वो बहुत कम मिलती है। जैसे उदाहरण स्वरूप 2000 मिलना या 3000 अधिकतम, जो पुरानी पेंशन से अगर उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। और वर्तमान समय जो है आधुनिक समय में वो उक्त राशि का जीवन यापन में जो सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी का परिवार हो वो जीवन यापन नहीं कर सकता। इसी को लेके आज पूरे कर्मचारी लोग यहाँ बैठे हैं और हमने लगभग शासन के समस्त विभागों में इस संबंध में सभी कर्मचारियों से संपर्क हमारा जारी है, और आज इस महासंघ में भगत भैया का आज जैसे जिलाध्यक्ष जी के तौर पर सभी कर्मचारी नेताओं द्वारा आज उनका मनोनयन किया गया है। हम आशा करेंगे कि इनके मार्गदर्शन में हमें एनपीएस को राज्य सरकार समाप्त करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन लागू करें और सभी कर्मचारियों के हितों में फैसला करें, हमारी शासन की ये अपेक्षा रहेगी। जब एक कर्मचारी ने अपना दर्द बयां किया तो अन्य कर्मचारियों के दिल से भी आवाज निकल पड़ी और उन्होंने भी हमसे अपनी बातें कुछ इस तरह से साझा की। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी बीके पटेल बताते हैं कि पेंशन कर्मचारियों की जीवन भर की पूंजी होती है। बीते 7 वर्षों में उनके साथ के कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी महज 1000-2000 पेंशन तक नहीं बन पाई है। एनपीएस के माध्यम से सरकार कर्मचारियों के पैसा शेयर मार्केट में लगाती है, जिसकी बहुत बुरी स्थिति है। आज भी 1998 से कार्यरत कर्मचारियों के एनपीएस खाते में महज 4-5 लाख जमा है, जो बहुत ही कम है। इस आधार पर पूरे जीवन काल के दौरान 17-18 लाख रुपए खाते में जमा होगा और पेंशन 2-2500 रुपए तक बनेगी। पिछले 7-8 वर्षों में हमारे बहुत साथी रिटायर 45-47-48 वर्ष की उम्र में लगे हैं। अभी भी वर्तमान में हमारे बहुत से साथी हैं जो लगभग 2-3 साल में रिटायर होंगे। एनपीएस में हिसाब लगा के देखे कि 1000 रुपये उनकी पेंशन नहीं बन रही है। पेंशन कर्मचारियों की जिंदगी भर की पूंजी होती है और ये एनपीएस जो है हमारा बुढ़ापा जो है हमारे साथियों का बर्बाद कर देगी। इतनी बुरी स्थितियों में हम लोगों के कर्मचारियों को बुढ़ापा गुजरेगा। इन सब परिस्थितियों पे सोच विचार करके
क्योंकि एनपीएस जो हमारा पैसा है, ये कर्मचारी थोड़ा हमारे जो कई चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो समझे कि हमारा पैसा सरकार शेयर में डालती है और शेयर में उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत बुरी परिस्थिति है। आज भी जो 1998 से हमारा साथी काम कर रहा है उसके खाते में मात्र 5-5.5 लाख रुपए है। यदि हिसाब लगा के देखें तो मुश्किल से 15-17 लाख उसके खाते में जमा होगा पूरी ज़िंदगी में, पूरी नौकरी में, नौकरी के दौरान। उसके बाद उसका पेंशन जो 60% उसको मिलेगा, उसके बाद उसका पेंशन बनेगा तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये 30-35 साल सेवा के पश्चात बनता है। और आज से जो 2035 में 2040 में जो रिटायर होगा उसको 2.5 हज़ार रुपये पेंशन क्या मायने रखेगा, किस परिस्थितियों से आर्थिक बोझ से वो गुजरेगा। इन सब बातों पर विचार करके पूरे प्रदेश में हमारा अध्यापक संवर्ग, साथ ही आज जो जिले में बैठक है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, चाहे वन विभाग के कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों या अन्य विभागों के, बैंक के कर्मचारी हों, सभी विभागों के कर्मचारियों की आज यहाँ संयुक्त बैठक हुई। नई नीति जो लागू की गई है इसमें 2005 के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने जो है न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। इसमें कर्मचारी का 10% कटौतरा होता है और 10% जो है सरकार इसमें जब डालती है, और रिटायरमेंट के बाद जो है कर्मचारी को जो है 60% उसको मिलता है और 40% जो है उसका जमा होता है, उससे उसको पेंशन मिलती है। आज जो है यदि कर्मचारी को रिटायर होता है और उसकी तनख्वाह यदि 50,000 रुपये है तो उसको 25,000 रुपये पेंशन मिलती है, और न्यू पेंशन स्कीम में उसको कहनी थी जो है 40% के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी तो 1500 रुपये या 2000 रुपये तक ही पेंशन उसको मिल पाएगी। ऐसी विषम परिस्थिति में वो अपना 2029 में या 2030 में कैसे गुजारा कर पाएगा। ये धोखा कौन कर रहा है आप लोग के साथ? ये हम लोगों के साथ में जो है मतलब तत्कालीन जो नहीं केंद्र सरकार के समय अटल बिहारी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी की सरकार ने जो है ये पेंशन नीति जो है समाप्त की, और इससे पहले जो है पेंशन ऑलरेडी गणेश जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से जो है पेंशन नीति लागू थी, और उसमें जो है बीजेपी की सरकार ने जो है इस पेंशन नीति को समाप्त की और इससे कर्मचारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि एनपीएस से मिलने वाली पेंशन ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। वहीं ओल्ड पेंशन नीति लागू होती है तो कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सकता है, वरना उनका जीवन अंत समय में बहुत संकट में पड़ जाएगा। अन्य कर्मचारी मानते हैं कि पेंशन को केंद्र सरकार ने बंद किया है, लेकिन प्रदेश के मुखिया बहुत संवेदनशील हैं और निश्चित ही पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, यही उम्मीद लगाई जा रही है। एनपीएस तो घाटे का सौदा है कर्मचारी के लिए। कैसा घाटे का सौदा? जो भविष्य में रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलना है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पूरी जो लेंथ ऑफ सर्विस होती है कर्मचारी की उसमें जो उसको मिलना है वो बहुत कम मिलेगा। और जो ओल्ड अगर पेंशन स्कीम लागू होती है तो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद जो सम्मानजनक जिंदगी जी सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। हाँ, रिटायरमेंट के बाद पूरे कर्मचारी को लाभ मिले इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि पुरानी पेंशन लागू हो। नहीं तो अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं करते फिर क्या करेंगे? नहीं तो फिर हमारे हक में जो है हम सरकार का विरोध करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार मान जाए। ये जो पेंशन है केंद्र सरकार ने समाप्त किया है, और चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो ज़रूर हमें पुरानी पेंशन देंगे, क्योंकि एक जो कर्मचारी है पूरा जीवन और पूरी सर्विस 30-40 साल तक पूरी सेवाएं जो है वो सरकार के कामकाज में देती है और अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। मेरा एक मानना है कि जब एक विधायक बन जाता है, एक सांसद, एक विधायक और जो राजनेता है, इनको 3-3 पेंशन मिलती है। अगर वो एक दिन भी और वो विधायक है और उसके बाद में वो सांसद भी बन गए तो विधायक की भी पेंशन लेंगे, सांसद की पेंशन लेंगे, और मंत्री बन गए तो मंत्री की पेंशन लेते हैं। और हम 40 साल तक नौकरी कर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिल रही है। और ये यहाँ पेंशन जो है चूँकि पूरी मार्केटिंग पर आधारित है, शेयर मार्केट। और अभी हमारे जो साथी रिटायर हुए हैं, हमने भी देखा, हमारे एक सहायक अध्यापक रिटायर हुए पिछले महीने, उसको 850 रुपये प्रति वहाँ पेंशन मिल रही है, क्योंकि जो राशि जमा होती है उसका 40% जो है पेंशन के रूप में बांधा जाता है और 60% जो है वो नकदीकरण मिलता है। तो सभी कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है? मतलब सभी कर्मचारी के लिए नुकसानदायक है। 2005 के बाद में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हो, एसडीएम महोदय हो, या जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने नौकरशाही हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय रावतकर भी बताते हैं कि वे पुरानी पेंशन नीति के दायरे में आते हैं। नई पेंशन नीति कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है।
कर्मचारी जो रिटायर होगा वह पैसा आजीवन चलता रहे। शासन को इस बात पर विचार करना चाहिए। ओल्ड पेंशन में आ रहे हैं क्योंकि हमें 35 साल हो गए सर्विस करते करते और 2005 के अपॉइंटी लोगों को ही ये न्यू पेंशन लागू है। 2005 के पहले वाले जो अपॉइंट कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन है। नए पेंशन में ये नुकसान है एक्चुअल में कि एक मुश्त जो हमारा प्रोविडेंट फंड जो कटता है उतना ही शासन एड करता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी इस प्रकार की नहीं है कि जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद आजीवन तक वो पैसा चले। यदि एक नियमित आय पेंशन के रूप में यदि रिटायर्ड कर्मचारी को मिलती है तो उसको परिवार का संचालन करने में और अपना जीवन यापन करने में ज़्यादा सुविधा, एक गारंटी है उसमें कि हमें मंथली इतनी पेंशन मिलेगी, उस बजट के हिसाब से हम अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। और नई पेंशन नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं, आपको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, आप उसका जैसा भी उपयोग करना चाहेंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आप जब तक जिंदा है, क्योंकि आप 60 साल 62 साल की उम्र तक आप शासन की नौकरी करते हैं, उसके बाद बाकी का जो जीवन रिटायरमेंट के बाद का जो बुढ़ापे का जीवन रहता है उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो नई पेंशन नीति है वो सही नहीं है। वाहन चालक जिला अध्यक्ष आनंद मुरगड़े बताते हैं कि एनपीएस को बारीकी से देखा जाए तो यह कर्मचारी के हित में नहीं है। पुराने पेंशन वाले कर्मचारियों का पैसा जो भी कटता है वह शासन के पास होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से जवाबदार होती है, लेकिन नई पेंशन एनपीएस वाले कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है, जिस पैसे का कोई भरोसा नहीं होता। इसको बारीकी से देखा गया, हमने इतने सालों में जब से लागू हुई तो ये कर्मचारी के हित में नहीं दिखती, क्योंकि जो एनपीएस का पैसा कट रहा है तो जो हमारा पैसा कटता है वो गवर्नमेंट के खजाने में रहता है, गवर्नमेंट के पास में रहता है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो उपयोग भी करती है और गवर्नमेंट इसकी जवाबदार है। और जो नेशनल पेंशन स्कीम में यह है कि आपका पैसा एनपीएस में गया, एनपीएस से पैसा शेयर मार्केट में गया, शेयर मार्केट में किसी उद्योगपति व्यापारी पूंजीपति ने उठाया, वो अगर कंपनी डूब जाती है 10-15 साल में तो वो भरपाई नहीं कर पाई तो अगला कर्मचारी तो सड़क पर आ जाएगा। जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है कि देश का खजाने का पैसा कोई भी सरकार ले लेती है, फिर कभी विश्व बैंक से कर्ज लेती है, इसी तरह आज जो हमारे पैसे की गारंटी है यानी जवाबदेही पे है, सरकार की जवाबदेही है कि पैसे देगा, पेंशन देगा, सब देगा, पर इसमें जवाबदेही ख़त्म हो जाती है। मतलब कर्मचारी के हितों में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता होगा तो गवर्नमेंट वो उसको कब कब पैसे भुगतान हो गए और किस कैसे होंगे करके वो डिक्लेयर करें, एनपीएस करें, अपना आदेश करे, गवर्नमेंट करे, हमें गवर्नमेंट ने भेजा हमारे पैसे कटौती करके, उनसे एनपीएस विभाग बताए क्या बताए, कहाँ ऑफिस है, कहाँ नहीं है, पैसा कैसे जा रहा है। कर्मचारी नेता और लंबे समय से कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे राजेश वर्मा बताते हैं कि एनपीएस सीधे सीधे कर्मचारियों के साथ छलावा है, अगर आज कर्मचारी नहीं जागे तो भविष्य में उन्हें बेहद परेशानी होने वाली है, इस बात को लेकर लड़ाई आज ही शुरू करने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो एक नई पेंशन नीति जो योजना जो है वो लागू की गई है कर्मचारियों के लिए और श्रमिकों के लिए, वह मजदूरों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है। और नई पेंशन योजना से जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जिसका भारतीय मजदूर संघ ने पूरा राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध किया हुआ है और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे अभी जनवरी में पूरे देश के लाखों मजदूर और कर्मचारी मिलकर नई पेंशन नीति का जो है उसका विरोध करेंगे। और वर्तमान में अभी देश के श्रम मंत्री के साथ में इस नई पेंशन योजना के संबंध में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडलों के साथ मंडल के साथ में वहां पे दिल्ली में चर्चा भी हुई है इस संबंध में, और उन्होंने हमको एक आश्वस्त किया है कि हम इस योजना को परिवर्तित करते हुए एक नई योजना जो है इस कर्मचारियों के संबंध में लागू करेंगे और मजदूरों के संबंध में लागू करेंगे। सर, ये योजना की अगर बात करें एनपीएस तो ये किस तरीके का नुकसानदायक होगा कर्मचारियों? ये नुकसानदायक तो कर्मचारियों के लिए, पहले जब हमारा जो है ईपीएफ कटता था, ईपीएफ का पूरा संशोधन कर दिया है केंद्र सरकार ने, अब ईपीएस नई पेंशन योजना के तहत जो है जो पहले 12% जो सरकार जो हमको यानी जो मजदूरों को और कर्मचारियों को देती थी वो अब उसमें भी कटौती कर दिया है, उन्हें 2% कटौती उनने कर दिया केंद्र सरकार ने किया हुआ है।
और जिसका पालन जो है वो वर्तमान सरकार भी जो है वो कर रही है। निश्चित ही कर्मचारियों की जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है और सेवानिवृत्ति की शाम करीब आ रही है, वैसे वैसे उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। एनपीएस पेंशन का नाम सुनते ही उन्हें भविष्य में होने वाले नुकसान का अंदेशा अब होने लगा है। इसीलिए वे शासन से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें पैसों के लिए तंगी न झेलनी पड़े। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य की तारीख में हुआ बदलाव, 25 नवंबर के स्थान पर 2 दिसंबर से शुरू होगी खरीदी। बैहर तहसील की गड़ी में सड़क पर भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता, 10 पर मामला दर्ज। पति पर गरम गरम तेल डालने वाली पत्नी पहुंची जेल, हत्या करने के प्रयास का लगा आरोप। 2 साल में सरपंचों से वसूल किए गए 64 लाख रुपए की राशि, 1 सैकड़ा सरपंचों पर कार्यवाही लंबित। पुरानी पेंशन लागू करवाने सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी, महासंघ का हुआ गठन। लालबर्रा में आयोजित किया गया जिला स्तरीय प्रतिभावान लोधी सम्मान समारोह। बारह सिवनी में मनाई गई भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, युवक की मौत, सावरगांव के पास हुई घटना। और 5वीं और 8वीं बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आदेश का इंतजार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।